असलम एवरी एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट सो गाइस आज आपके साथ बहुत ही इजी क्विक और झटपट सी रेसिपी शेयर कर रही करी विद ओनली थ्री इंग्रेडिएंट्स तो यहाँ पे मैंने ली है कैप्सिकम मोजरेला चीज़ और वन पीस ऑफ चिकन जो कि चेस्ट पीस है और इसकी मैरिनेशन मैंने लास्ट वीडियोस में दिखाई थी अपनी रमज़ान प्रिपरेशन डे वन में ये वही चिकन है जो मैं यूज़ करी हूँ और इसी से ही मैं रेसिपी क्रिएट करूँगी तो चिकन तो ऑलरेडी मैरिनेटेड था अब उसको श्रेड कर लिया है शिमला मिर्च भी कट कर ली है और साथ मोजरेला चीज़ है तो इस तरह से क्विक रेसिपीज जब रेडी करनी हो ना तो आधे काम पहले हुए हुए हो तो आपका सीरियसली पाँच से दस मिनट लगते हैं आप न्यू रेसिपी क्रिएट कर लेते हो तो वट आई डिड हेयर कि मैंने यहाँ पैन में ऑयल ले लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी द चिकन चिकन तो ऑलरेडी मैरिनेटेड था तो उसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस डालने की हमें ज़रूरत नहीं थी बट स्टिल थोड़ा सा मिक्सचर को फ़्लेवरफुल बनाने के लिए देखिए देखें हम मैं क्या क्या ऐड करूँगी और बिल्कुल लेस इंग्रेडिएंट्स में तो साथ ही मैंने कैप्सिकम ऐड कर दी थी और अभी चीज़ ऐड नहीं की थी सो दैट कि वो मेल्ट ना हो जाए और अभी जो कि शिमला मीठा थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए इसमें मैंने जल्दी से नमक डाल दिया था और ये गहनो डाल दिया था अच्छे से मिक्सअप कर लिया है, नमक और ये गहनो और थर्ड चीज़ जो मैं इसमें ऐड करी हूँ वो है जनाब ये काली मिर्चें और इसके बाद इसमें चीज़ डाल के हम इसको फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी थी और बस ये मिक्सर हमारा रेडी है और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई वो ये कि इसमें मैंने बाद में ऐड की थी चिली फ्लेक्स क्योंकि चिली फ्लेक्स उस वक्त इसलिए ऐड नहीं की कि चीज़ ऐड नहीं की हुई थी तो चीज़ में भी उसका थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए तो व्हाट वी आर डूंगेयर कि यहाँ पे बस मैंने एक एग ले लिया है उसको अच्छे से बीट कर लेंगे साथ ब्रेड क्रम्स ले लेंगे और जूस अगर आपको चाहिए थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा मिक्सचर तो आप इसमें एक चम्मच माइनीज भी ऐड कर सकते हैं दो चम्मच भी ऐड कर सकते हैं ये ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो ऐड करें वरना ना करें तो अभी मैं आपको फ़र्क दिखाती हूँ पहले थोड़ा सा ड्राई सा लग रहा था जब मैंने ये आई ऐड की तो ये थोड़ा सा यू नो जूसी सा हो गया था मिक्सचर तो इफ़ यू गाइज़ वॉन्ट टू एड यू कैन ऑल्सो एड ये ऑप्शनल है वैसे कुछ लोग होते हैं ना उनको मायनेज नहीं अच्छी लग रही होती तो बस ये एक छोटी सी सिंपल सी टिप थी तो वट यू हैव टू डू हेयर कि आप ब्रेड के जो स्लाइसिस हैं उनको कट कर लें साइड से तो जो ये हम साइड से काटते हैं ना ब्रेड के स्लाइसिस इनको आप तो ज़ाया ना किया करें इसी से ही ब्रेड क्रम्स भी आप बना सकते हैं इनको ड्राई करके बाद में चॉप कर लें या ब्लेंडर में कर लें तो बड़े अच्छे से आपके ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाते हैं तो यहाँ पे बस ब्रेड को थोड़ा सा बेल लिया था मैंने ताकि ये थिन सी हो जाए बड़े थिन और क्रिस्पी से रोल बन गए थे ये अभी क्योंकि रमज़ान की इतनी सारी रेसिपी सब ने ट्राई कर ली होंगी फ्राइंग चीज़ों से दिल भर जाता है ना तो फिर दिल कर रहा होता है कि कुछ हेल्दी और अच्छा सा ट्राई करें और वैसे भी फ्राइंग चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए कभी कभी आप ले लो और रोज़ एक चीज़ भी ले लें ले तो वो इनफ हो जाती है वैसे इट्स ऑल अप टू यू अगर आप फ्राइंग ज़्यादा खाना चाहते हैं यू कैन ईट इट्स इट वॉज जस्ट माई ओपिनियन तो मैंने कुछ ऐसा ही रखा हुआ है कि फ्राइंग बहुत ज़्यादा नहीं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे एक बड़ी मज़े का प्लेटर भी शेयर करूँगी तो स्टे ट्यून फॉर दैट और काफ़ी सारी मज़े की और भी वीडियोज़ हैं फिलहाल यहाँ पर बस इसको कोट कर लिया था मैंने एग से और उसके बाद हम इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम से और ये हमारे क्विक से मिनी से रोल क्रिस्पी से रोल बन के रेडी हो गए थे तो ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी लेटर ऑन दे सकते हैं रमज़ान का स्नैक भी कर सकते हैं चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में आप इसको ट्राई कर सकते हैं और साथ में आपने पानी ज़रूर लगाना है ब्रेड के एजेस पे साइड्स पे ताकि ये आराम से ब्रेड जो है ना स्टिक हो जाए आपको पता है कि ब्रेड तो बहुत इजीली आप मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा आपको फ्लोर भी वाटर में मिक्स करके रखने की ज़रूरत नहीं है वो एक हम मिक्सचर जो बनाते हैं मैदे का बस ये पानी से ही अच्छे से बंद हो जाते हैं एंड्स ब्रेड के तो बस यहाँ पे ये मिनी रोल्स हो गए थे रेडी तो बस यहीं पे एंड करते हैं आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी कोई सी झटपट सी रेसिपी और अगर चिकन मैरिनेशन की आपको रेसिपी चाहिए वो मेरे लास्ट ब्लॉग में है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देती हूँ रमज़ान प्रिपरेशन डे वन में तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इनको फ्राई करके इनशाला मैं आपको कल के ब्लॉग भी दिखाऊंगी फिर मिलते हैं अल्लाह हाफिज़ टेक केयर अल्लाह की अमान दुआओं में याद रखिएगा बाय बाय